दुनिया में कोरोना संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई देशों में कोरोना की वैक्सीन को तैयार करने में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि राष्ट्रपति चुनाव यानी 3 नवंबर से पहले कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा सकती है। ट्रंप के इस बयान को लेकर काफी राजनीति भी हुई है। इस बीच अमेरिका में वैक्सीन को तैयार कर रही कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हो पाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट ने बुधवार को मॉडर्ना कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले मॉडर्ना की संभावित कोरोना वैक्सीन आवेदन करने के लिए तैयार नहीं होगी। स्टफ एंड बेजल का एक प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी को बताया कि उन्होंने अमेरिका के सभी वर्गों को अगले बसंत से पहले वैक्सीन वितरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मॉडर्ना से इस टिप्पणी को लेकर सवाल किया है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉडर्ना की वैक्सीन जल्द से जल्द 25 नवंबर से पहले फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन विकसित करने की दौड़ में अमेरिका के मॉडर्ना की वैक्सीन आ गए है। फिलहाल इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। कोरोना की वैक्सीन तैयार करना अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति दावेदार जो बिडेन के बीच मंगलवार को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना था। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।